काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से दर्दनाक घटना सामने आई, जहां भाजपा नेता और सरपंच पति का कार के द्वारा राउंडिंग का। बता दी कि गुनामा सड़क के किनारे बात करे वाले भाजपा जिला मंत्री और सरपंच पति के सड़क हादसा में जान चली गई, जबकि सरपंच संघ के अध्यक्ष घायल हैं। मध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभी जन का प्रणाम कही थे, शुरू कही थी बड़ी खबर से। बता दी कि गुनामा भाजपा जिला मंत्री और सरपंच पति के सड़क हादसा में जान चली गई, सरपंच संघ के अध्यक्ष घायल बताए जाता। घटना मंगलवार देर रात 12:45 के बताई जाती। घटना के बाद कार सवार आरोपी गिड़गिड़ाए के हाथ जोड़ के माफी मांगे नजर आए। बता दी कि इनमें एक आरोपी नोएडा जबकि दूसरा आरोपी हैदराबाद के बताया जाता। दोनों गुनामा पायलट के ट्रेनिंग ले रहे हैं। पुलिस के द्वारा आरोपी इनका हिरासत में ले लेंगे। भाजपा नेता आनंद रघुवंशी मगराना और मोहनपुर के सरपंच के पति कमलेश यादव न्यू सिटी कॉलोनी के बाहर मेन रोड पर स्कूटी खड़ी करके बात करते रहे। सरपंच संघ के अध्यक्ष मनोज धाकड़ उनसे मिलने खातिर पैदल पहुंचते रहे। अतने मां अंबेडकर चौराहा के तरफ से जाने वाली तेज रफ्तार कार के द्वारा तीनों को अपने चपेट में ले लेंगा। घटना में कमलेश यादव के मौके पर जान चली गई। भोपाल ले जाए के दौरान आनंद के द्वारा रास्ता में दम तोड़ देंगे, जबकि मनोज का इंदौर के बॉम्बे अस्पताल में रेफर किएगा। अब टक्कर इतनी तेज रही कि स्कूटी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना से नाराज परिजन और समर्थकन के द्वारा बुधवार सवेरे नानाखेड़ी मंडी रोड पर न्यू सिटी कॉलोनी के सामने चक्का जाम कर दिन। पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पहुंचे, डिवाइडर बनावे और रास्ता में लगे डीपी हटावे के आश्वासन पर लोगों के द्वारा आधा घंटा में जाम खोला गया। गुना सी एस पी ज्योति उमठ के द्वारा बतावा गया कि चुने कार से हादसा भाव का जब्त कीनगा है। कार में सवार दो युवकन का हिरासत में लेनगा। बतावा जाते कि कार के चालक और साथी नशे के हालत में रहे। सौरभ यादव नोएडा जबकि आभास सांडिले हैदराबाद के निवासी आई। दोनों पायलट बड़े के ट्रेनिंग लेते रहे। घटना की जानकारी लगता है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रात में अस्पताल पहुंचे। बुधवार का उनकी गुना और बामोरी में कई कार्यक्रम रहे और वजह से मंगलवार देर रात गुना पहुंचे। इस दौरान उनके द्वारा तमाम कार्यक्रम स्थगित कर देंगे। हम सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत। पुलिस द्वारा इस घटना को लेकर के प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है एवं जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था और जो उसमें आरोपी सवार थे उनको राउंड अप कर लिया है।